यहाँ पर छोटे से बच्चे जा रहे हैं स्कूल, देख सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ट्राइबल विलेज इंडियन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक और सब्जी लेने जाते हैं तो बने रहिए इसी वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलते हैं, बने रहिए इसी वीडियो में। खेत में जाते हैं और सब्जी लेके आते हैं। आज कौन सी सब्जी मिलती है तो वो आज बताने वाले हैं। ये सीताफल के पेड़ हैं, आप देख सकते हो। ये वाले भी सीताफल है, ये देखिए, ये सीताफल लगे हुए। ये देखिए, ये है मक्का, तो काफी बड़ा हो गया है मक्के की फसल, देखिए। और ये सामने है पहाड़, और ये है पपीता। अभी चलते हैं खेत के अंदर और सब्जी लेके आते हैं। फाइनली दोस्तों, मिल चुके हैं अपने। ये वाले पत्ते लेने हैं, ये वाले, तो ये वाली घास है, तो इस घास की बनती है सब्जी, इसको बोलते हैं डिबरा। इससे बनानी है सब्जी अपने को, तो ये मैंने फाइनली ले लिया है। और ये सारी एकत्रित कर रहे हैं, ये देखिए, ये वाले। तो अभी बड़े बड़े पत्ते मैंने हटा दिए हैं, अभी सिर्फ ये सब रखे हैं। अभी इसको धो लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, फिर इसको छोटे टुकड़ों में कटिंग करते हैं, फिर बनाते हैं सब्जी। अभी अच्छी तरह से धो लिया है और छोटे टुकड़ों में कटिंग कर रहा हूँ। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें मिर्ची, लहसुन और हल्दी, जीरा, वो सब मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है अपने सब्जी के अंदर। तो अभी कढ़ाई के ऊपर तेल रख दिया है, तो अभी बनाते हैं सब्जी। ये लहसुन, लहसुन और जीरा डाल दिया है, और ये प्याज। अभी डाल देते हैं ये अपने भाजी, घास वाली सब्जी। थोड़ी सी पकने के लिए इस तरह इसको हिलाना है, जलने नहीं देना, बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। 10 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी। अभी हल्का सा पानी डालना है इस प्रकार, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अभी नमक डाला नहीं था। पानी डालने के बाद इसको रखते हैं ऊपर, तो अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाएगा। सब्जी तैयार है, टेस्ट कर लेते हैं। रोटी ले ली, हाँ।
फाइनली अभी टेस्ट करते हैं किस प्रकार की हमारी सब्जी बनी है। जो अपने खेत से लेकर आया घास थी वो उसी घास से बनती है सब्जी। अभी टेस्ट करते हैं। बहुत ही शानदार बनी है, सभी सब्जी से अलग बनी है, बहुत ही अच्छी लगी है। अभी खाते हैं।